हाय एवरीवन, आई एम शाहीन हनीफ। और आज हम ये देखते हैं कि आपके माइंड में जिससे प्यार करते हो, ठीक है, जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, जिसके लिए इतना वेट कर रहे हो, इनके साथ शादी हो जाती है तो इनके साथ का जीवन आपका कैसा रहेगा वो देखते हैं। और दूसरा एक और चीज़, मुझे किसी ने कमेंट में ये बताया था कि मुझे बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखते हैं, क्यों? तो एंजल्स नंबर एक अलग 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 तरीके से दिखते हैं, तो आप चाहो तो मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, और आप चाहोगे तो मुझे आप मुझे बता दीजिएगा तो कमेंट में जाके कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर दिखते हैं, तो क्यों दिखते हैं, क्या है, तो मैं उसके लिए भी रीडिंग में यहाँ पे वीडियोस डाल दूँगी, ठीक है। कमेंट में जाके मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर, आप जिससे मोहब्बत करते हो, जिससे प्यार करते हो, इसके साथ ही शादी हो जाती है तो कैसा रहेगा आपका लाइफ, ठीक है। सो देखते कौन से ऑब्स्टिकल्स आएंगे और इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, हम कैंडल्स वैक्स से भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम आपके नेम के लेटर एंड सरनेम देख लेते हैं, या आपके आपके पार्टनर के नहीं। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब बोलते हैं ना, एक बहुत ही प्यारी सी एकदम खुशी वाली एनर्जी लग रही है आपकी। सो ओके, सो आपका फर्स्ट लेटर ही एस, ठीक है, जे एम आर एफ वाई जेड के ई B N C L और M, ठीक है। सो ये है आपके नेम और सरनेम के लेटर। ओके, सो हम देखते हैं, अभी आपके पार्टनर के भी लेटर देख लेंगे, लेकिन पहले मैं आपकी एनर्जी पिक कर दूँ, साथ में पहले आपकी बर्थ डेट और आपको कौन से एंजल्स नंबर दिखते हैं हम वो भी देखते हैं ज़्यादातर। तो आपका बर्थडे हो सकता है 1, 6, 4, 5, 8 या ज़्यादातर 6, ठीक है, 30 ये भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 13 हो सकता है, 11 हो सकता है, 1 हो सकता है, जिसके बर्थ डेट में ये डिजिट बहुत ज़्यादा आते होंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के बारे में भी हम बाद में देखते हैं, पर पहले हम आपकी एनर्जी पहले पिक करेंगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में पहले क्या चल रहा है वो देखेंगे, और इवन हम इस रीडिंग के अंदर ये भी देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ शादी के बाद कैसी रहेगी, ठीक है, क्या आप इनके लिए लकी रहोगे और कि ओके। सो आपकी अभी की करंट एनर्जी में ऐसे देखूँ, ओके, तो आपको अक्सर ऐसा लग रहा है ना आजकल, जो आपका, मैं आपको जो बोलती हूँ ये आपको प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में जाके, कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना, मतलब नेगेटिव थॉट्स आना ये नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बुरी नज़र होना या फिर आपको ब्लैक मैजिक का असर है, इस टाइप के नेगेटिव कहीं ना कहीं ये थॉट्स आते होंगे, घर के अंदर किसी की नज़र लग गई है, जैसे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट है, इस टाइप के वर्ड्स आप इस्तेमाल करते होंगे। हो सकता है कि आपको फेट ज़्यादा बढ़ गया, आपका पहले से एक कहीं ना कहीं आपका फेट मतलब थोड़ा सा मोटे से आपका वेट ज़्यादा बढ़ गया, हम ये बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ बढ़ गया है। आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स आ रहे होंगे, और हो सकता है कि पहले से डल थोड़ा सा स्किन हो गया होगा, वाइट जैसे दाने से निकल रहे होंगे, इस टाइप का होगा। आपको सनटेन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आँखों के नीचे ब्लैकनेस हो जाना, ये सारी चीज़ें होती होंगी, हेयर फॉल होना, वो सारी चीज़ें होती होंगी, ठीक है। तो ये है, तो प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ओके। और अभी मैं आपको ये बोलूँ तो बहुत हेवी सा फील हो रहा है, आपके हार्ट चक्र बहुत ही ज़्यादा हेवीनेस है, ठीक है, फीलिंग बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है आपकी फीलिंग की, आपकी 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 सोल से थक सी गई है, कंट्रोल अपने आपको इतना कर रहे हो, कोई आपको डांट के भी जाता है तो आपको उनको गुस्सा करने का इतना ऐसे लगता है छोड़ो यार मैं थक गया या थक गई हूँ, इस टाइप की एनर्जी है। मैंने शायद ये पहले भी एनर्जी पिक किया हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, अभी वो मैं ऐसे देखूँ तो आपके कोई दोस्त वगैरह इतना ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, क्लोज फ्रेंड, लेकिन है तब भी ना के इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है लेकिन इतना नहीं, बातचीत करने के लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको भी अभी तो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हर चीज़ को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में आगे पाथ में निकल रहे हो, आप आगे की लाइफ में निकल रहे हो, इस टाइप की एनर्जी, कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अभी जो आपकी करंट एनर्जी ऐसी है तो आप ये समझ लो ये आप ही के लिए रीडिंग है, मैं और भी एनर्जी पिक करूँगी, ये अकेला एनर्जी नहीं, ठीक है, जिससे आप और कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये आप ही के लिए रीडिंग है, ठीक है। सो मैं आपकी लव लाइफ में पहले मैं देखूँगी क्या है, एक मिनट ये कार्ड्स को सही कर दो,
सो देखते हैं। देखो एक बात ज़रूर है, आप जिस भी पार्टनर से प्यार करते हो उन्होंने पूरी तरह से मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या तो कमिटमेंट ही नहीं दिया। आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन कहीं ना कहीं बोलते ना दिल वहीं पर अटका है। आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं लेकिन दिल वहाँ पर अटका है। आपके दोस्तों के साथ बातचीत करने के बाद भी आपका कहीं दिल नहीं लगता है। मैं आपको ऐसा बोल दूँ, प्लीज़ पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, तो बोलते ना सेठ की शिखामन जापे तक आपका बस 5-10 मिनट या हाफ एन आवर्स या हाफ डे आपका अच्छा रहता होगा, फिर जैसे थे वैसे एनर्जी हो जाती। जो आपके साथ ये कनेक्टेड होता है तो ये सॉलिड तरीके से आपकी एनर्जी मैच हो जाएगी। कहीं ना कहीं अपने काम के ऊपर भी बहुत सारे थिंकिंग, कहीं कोई सॉन्ग सैड सॉन्ग सुन लिया तो उनकी यादों में चले जाए, और अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता होगा कि उनके रिलेटेड ही सॉन्ग आपके आसपास घूमते रहते होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो डिज़र्व करती हूँ इस टाइप का क्यों नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप एक मैनिपुलेट इंसान के साथ डील कर रहे हो। ओके, तो आप ज़बरदस्ती वाले, मैं ना कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लड़का लड़की प्लीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग करती हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए मैं लड़की हूँ इसीलिए। ओके, तो मुझे कंफर्टेबल लगता है, मैं अच्छे से रीडिंग कर पाऊँ, तो प्लीज ओके आप देख लीजिएगा। ओके, सो अभी हम आपके पार्टनर की लेटर देख लेते हैं और आपके वर्क प्लेस में भी क्या चलता है वो भी मैं देख लेती हूँ, ठीक है, जिससे और ज्यादा अच्छे से डिटेल वाइज रीडिंग हो जाए। ओके, सो मुझे लगता है आपका प्रमोशन अटक गया है काफ़ी वक्त से, और कहीं ना कहीं आपके मैनेजर है वो कहीं ना कहीं आपके मैनेजर भी अट्रैक्ट होते हैं आपके, आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो सकते हैं उसकी वजह से। एक बोलते हैं ना, एक अट्रैक्शन हाई लेवल का होता है और हम बोल भी नहीं पाते, तो उसकी वजह से वो अपना सारा गुस्सा आप पे निकालते होंगे, ये एक सिचुएशन हो सकता है। और आपके बॉस थोड़े से चिड़चिड़ बहुत ही अडियल हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप इस जॉब में से सेकेंड जॉब में पाना चाहते हो, इस चीज़ में हर रोज़ आप फाइट करते हो, बैलेंस करते हो और निकलने की कोशिश करते हो, जैसे तैसे करके दिन निकाल देते हो। चलो ठीक है, जो होता है वो मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा ही गुस्सेल और इस टाइप के आपकी जॉब में भी कहीं ना कहीं ऐसा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जॉब के लिए इतना अच्छा नहीं बोल सकती हूँ। देखो ऐसा भी नहीं है कि नहीं अच्छा है, क्योंकि आप बैलेंस कर लेते हो, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे कि बैलेंस करने की कोशिश करते हो, दिन की शुरुआत होती है, चलो हमें पता है चैलेंजेस है तो ठीक है हम चले जाएंगे, इस टाइप की एनर्जी है। अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर के लिए आपकी शादी के लिए देखती हूँ। यह आपके पार्टनर के नेम और लेटर और सरनेम के लेटर है, आप ये देख लीजिएगा कि, और हाँ दूसरा आपकी इसमें बर्थडे बता देती हूँ, सिर्फ आपके पार्टनर के लेटर है, ठीक है। और अब हम ये देखेंगे कि आपकी शादी के बाद का आपका लाइफ कैसा रहेगा। ओके, सो एम और डब्ल्यू अक्सर आता है, जो हर बार आता है, ए और ई, वाई पी एन एक्स पी एस आर के एफ जेड क्यू जी और एल। एक बात और, एक्चुअली जब मैंने आपकी एनर्जी पिक कर रही थी तो कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड नंबर के साथ साथ अभी अभी शायद हो सकता है कि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल सपने आते होंगे, अजीबोगरीब, जैसे कि आप इनके साथ फिजिकल हो चुके हो, इस टाइप के एनर्जी बहुत सारी वक्त में आपको बोला जाता है कि आपका 24 आवर्स में रियूनियन है और अचानक से इनके सपने में आ जाना, इस टाइप की अक्सर एनर्जी देखी जा रही है आपकी इस कार्ड्स के। जब मैंने आपको, जब आपके कार्ड्स मैंने देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आप बार बार सपने में रियूनियन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके गाइस, ओके, सो देखते हैं। आपकी बर्थडे डिटेल क्या है? सो 58, इनकी 8866884447 इनकी बर्थडे में आता होगा और 1 नंबर। तो हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपका लाइफ कैसा रहने वाला है? सो ओके गाइस, हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी रहने वाली है, इनके साथ क्या होने वाला है, कैसा बिहेवियर रहेगा। जैसे मैं गाइस सारे कार्ड्स में निकाल लेती हूँ। ओके,
ओके सो गाइस देखो, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता है कि उतार चढ़ाव नहीं आए, ठीक है। मैं आपको ये होप नहीं दूंगी कि आपकी इनके साथ शादी होने के बाद कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ऐसे ऐसे चक्करों में पड़ना नहीं देना चाहती। देखो एक क्लियर और कट बात, देखो ये रिश्ते में आपकी लाइफ के अंदर फाइट है, ठीक है, फाइट मीठी नोकझोंक है, ठीक है। अक्सर आपके साथ ये होता रहेगा कि आपके अंदर के जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सुधारेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके अंदर बचपन के जितने भी ट्रोमाज हैं, पहले तो इनके शादी से पहले, इनके साथ शादी से पहले आप कहीं हद तक हील हो चुके होंगे। उसके बाद आपके लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट कैसे आएंगे, उतार चढ़ाव वाले ऑब्स्टिकल। अभी किस टाइप के, तो आप बोलोगे कैसे, तो हो सकता है कि बेबी के अंदर आपको, बेबी पहली बार में ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, पहली बार बेबी में, ठीक है। यहाँ पे लिटरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहली बेबी में आपको प्रॉब्लम्स होने के लिटरली चांसेस है। देखो गाइस ये फ्यूचर प्रेडिक्ट है, प्लीज इसे नेगेटिव वे में मत बोलना, लेकिन ध्यान रखना आपको जो चीज़ बताई जा रही है वो आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो आप पहली बेबी में ट्राई करने की कोशिश करते हो तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, और संभल के आप चीज़ों को पहले ही प्रोटेक्शन में, मतलब डॉक्टर की सलाह लेके आप कुछ करोगे तो शायद ये मुसीबतें टल सकती है। ओकल साइंस इसीलिए होता है कि हम आने वाली मुसीबतों को पहले से उस चीज़ के लिए हम तैयार रहे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बेबी में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। अभी मैं नॉर्मली ऐसे प्रिडिक्ट करती हूँ कि इनका प्यार कैसा रहेगा, तो इनके प्यार के अंदर भी बहुत अच्छा खूबसूरत प्यार है, लेकिन अक्सर आपको ये चीज़ों का डर लगा रहता था ना कि ये किसी और लड़की के साथ है या किसी और लड़की के साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि जब भी शादी होगी ना तो उसके बाद ये चीज़ें खत्म होती हुई दिखाई दे रही, बहुत सारी चीज़ें खत्म होती दिखाई दे रही है। इवन एक और चीज़ आप अपने एक और चीज़ आपको क्लियर बोलूँ, तो लड़का है तो लड़की मायके इतनी जल्दी जाने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे ना कि मेरी मेरी बीवी मायके चली गई, हाँ शांति हो गई, तो वो आपके लिए सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट अभी से ही मैं करती हूँ, क्योंकि ये मायके जाने वालों में से नहीं है, ठीक है। बहुत परेशान करेगी तब जाकर मायके जाएगी। और लड़की, आप लड़की हो, ठीक है, तो आप इनके वहाँ पर इतनी डीप लेवल में रहने वाली, आप इनके मतलब मायके नहीं जाते हुए दिखाई दे रही जाके, ठीक है। आपके मॉम डैड से आप रिश्ता वगैरह तोड़ के आप अपने ऐसा बोलोगे नहीं मम्मी मैं बाद में आऊँगी, इस टाइप की एनर्जी, यानी इनके हिसाब से प्यार वगैरह तो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। जैसे आप मैनिफेस्ट करते हो वैसे ही आप पाओगे। अभी एक और चीज़, आपकी लाइफ के अंदर ये एक बंदा ऐसा है जो मैनिपुलेट है, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हो, आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी इसी टाइप का बंदा रहेगा। देखो गाइज कुछ चीज़ों के साथ हम लोग जैसे आदत लगती है ना, ठीक है, तो इनके साथ भी आपकी आदत लग जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इनके आंखों के इशारों से, कभी कभी बोलते हैं हम जितना डीप लेवल में प्यार करते हैं कि हम अपनी आंखों के इशारों से ही समझ जाते हैं, तो आप इनके इशारों समझेंगे, आप इनके, आप बोलते हैं ना एक डीप लेवल से कनेक्टिविटी बना दोगे उनके साथ, तो जिससे आप इनके साथ ज़्यादा बोले बोले बिना बहुत कुछ समझ जाना, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। आपकी लेवल इस टाइप का हो जाएगा और ये आपसे सच में बहुत प्यार करेंगे। ये एक ऐसा बंदा होता है जो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन दिखाता नहीं है। ये आने वाले वक्त में आपको 100 बार आई लव यू बोलने वाले मार से पार्टनर बिल्कुल नहीं है। आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हो तो वो 100 बार 1000 बार बोलेंगे तो नहीं, आप इनके पीछे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो। एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके बिना आपको एक पल भी नहीं चलेगा। शायद हो सकता है कि आप अपनी जॉब के सिलसिले से बाहर भी जाओगे तो कहीं ना कहीं आप इनको लेके जाओगे, या तो ये आपको लेके, ये कहीं जॉब के सिलसिले से जाओगे तो नहीं बोलोगे कि नहीं मेरे लिए भी, मुझे बुक टिकट कर दो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। खास करके शादी के बाद, आप बच्चों होने के बाद ही आप बहुत ज़्यादा कम्प्लीशन महसूस करोगे। इसके पहले शादी के बाद भी आपको थोड़ा सा अधूरापन लगेगा। आप ऐसा बोलोगे मैं लड़की हूँ तो ये नॉर्मल है, नहीं, हर 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 औरत के साथ ऐसा नहीं होता है। थोड़ा वक्त के बाद ही वो बेबी प्लान करती है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, चाह रहेगी कि मेरा बेबी जल्दी हो जाए, ठीक है। इनके साथ यहाँ पे ये है, फाइट वगैरह अक्सर आपके साथ, वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट में आप उतरने वाले हो वो नहीं, और वो समझ में, वो ऐसे सोचेंगे अरे मैंने बोला क्या है, मैंने किया क्या है। आप थोड़े से मूड स्विंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। और रही बात सेक्सुअल लाइफ की, बात करूँ तो क्या ही बोलूँ, बहुत खूबसूरत है। डेविल कार्ड की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। देखो डेविल कार्ड का मतलब ये है कि फाइट होने के बाद सेक्स होना आपके लिए रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइट होगी और अचानक से वो आपको मना लेंगे और बहुत ही ज़्यादा मतलब
कैरिंग लविंग वाली एनर्जी रहेगी। कहीं ना कहीं आप हनीमून पे भी बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपकी शादी के वक्त में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा खर्चा होने वाला है। सीरियसली गाइस, मुझे लगता है कि आप बहुत ही सादाई से शादी करने वाले हो। आप बीच पार्टी बहुत ज़्यादा करोगे, और इवन आपको ये आपको अक्सर स्टाइलिश कपड़े में देखना पसंद करेंगे, और हो सकता है कि शॉर्ट्स, छोटे शॉर्ट्स मतलब स्टाइलिश कपड़े, उनको ऐसा होगा कि जो कपड़े मैं लाया हूँ या लाए हो आप, ठीक है, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने मुझे स्लीवलेस पहनना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे स्लीवलेस पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अंदर टी शर्ट वेयर कर लेते हैं। अभी लड़का है तो आप बोलोगे कि मुझे ये इस टाइप के कपड़े पहनना पसंद नहीं है, मैं कुछ और थोड़ा सा अलग करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो आपके लिए कपड़े खुद ही लेके आएंगे और आपको उसको पहनना पड़ेगा कोई भी टाइप के कपड़ों के अंदर सेटिंग करे बिना, ठीक है। तो अभी लड़की है तो क्या करोगे कि मैं टी शर्ट पहन लूँ, तो क्या, नहीं, आप जैसे हो वैसे ही बताओ, ऐसा जैसे मैं कपड़े पहन लेके आया हूँ आप ऐसे ही पहनो, इस टाइप का। तो उनको है ना ट्विस्ट करने वाली चीज़ें पसंद नहीं होगी। मैं ऐसे देखना चाहूँ तो उनके बहुत सारे दोस्त वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और लिटरली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि आपके माइंड से कि ये इसके साथ है, ठीक है, पर प्लीज़ ये माइंड पे मत लाना, बिकॉज इसलिए मैं आपको एक चीज़ में बताऊँ, ये आपसे बहुत लोगों से बातचीत करेंगे लेकिन बोलते ना आप ही के पास आएंगे, ठीक है। तो ये प्यार तो आप ही से करेंगे और किसी और के पास सोचेंगे भी नहीं। बहुत हद तक बैलेंस लाइफ है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग वाली लव है, आपने बहुत अच्छे कर्मास की है तो आपको ऐसा पार्टनर मिला है। आपको बोल सकते हो कि ये पार्टनर के साथ मेरे मैं क्या ही बोलूँ, कैसे ही बोलूँ, ये किस टाइप का बंदा है, अभी ऐसा है तो क्योंकि कमिटेड बंदा है, ये चीटिंग नहीं करेगा, या आपसे किसी और के सामने भले ही आपसे जाके बातचीत करे, नॉर्मल है, सबसे ही बातचीत करेगा, लेकिन चीटिंग नहीं करेगा। यहाँ पे ये लॉयल बंदा बताया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे में देखे जाओ तो ये अनकंडीशनली हिडन लव बताएगा, ठीक है। देखो, इनका एक मानना है कि सेक्स के वक्त पे सेक्स, खाने के वक्त पे खाना, मतलब बोलते हैं ना हर चीज़ एक टाइम पीरियड पे होगी, तो आपको भी वो टाइम पीरियड के हिसाब से ढलना पड़ेगा। अभी इनके साथ के ऑब्स्टिकल्स में देखो तो आपको है ना इनको अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। उनका मानना ऐसा रहेगा कि मैं 1000 इंसान के सामने खड़ा हूँ, लड़की या लड़का हो, ठीक है, वो भले ही कितने भी स्टाइलिश हो, या फिर आप ऐसे समझो, मैं आपको एकदम ओपनली लैंग्वेज में बोलूँ तो ये लड़कियाँ कितनी भी ओपन होके खड़ी होगी, लड़की हो आप तो लड़का आपका जो पार्टनर है वो इनके सामने 100 लड़कियाँ ओपन होके खड़ी होगी तो मैं तुम्हें ही पसंद करूँगा, इतना तुम्हें यकीन होना चाहिए। और लड़की है तो मैं 100 लोगों से बातचीत करूँगी लेकिन मुझे पता है कि मेरा पार्टनर कौन है, इस टाइप की एनर्जी, ठीक है। तो इनके ऊपर इस टाइप का भरोसा रखना पड़ेगा, और वहीं पे आप माइनस में जाओगे। कहीं ना कहीं आपका वो प्रॉब्लम्स ये होगा कि अटेंशन नहीं मिल रहा है। शादी के बाद ही अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, आपको अटेंशन बहुत पसंद है, आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझसे प्यार नहीं करते। कहीं ना कहीं सेक्शुअल लव लाइफ में भी आपका कहीं ना कहीं इसी की वजह से प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ ये मत करना, आप जैसे हो जैसे अभी कपड़े वेयर करते हो, आपका अलग कपड़ों का सेंस बदलने वाला है। लड़का है तो हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस हो जाए, और मैच्योरिटी के अंदर आप बोलते हैं ना बहुत ज्यादा मेन हो गया, उस टाइप का नहीं, आप जैसे हो वैसे ही रहना, क्योंकि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं आपको जैसे पसंद किया गया ऐसे ही रहना, अपने आप को बदलना मत। वैसे तो कपड़े आपके वही खरीदने वाले, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। याद रखिएगा, उनको सफाई बहुत पसंद है, क्लीनिंग बहुत पसंद है, अक्सर क्लीनिंग के मामले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती रहेगी, तो बन सके तो अपने आप को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको क्लीनिंग बहुत पसंद है, ठीक है। एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो आपको अक्सर वाइट ड्रेस में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप चाहो तो वाइट ड्रेसेस ज़्यादा पहन सकते हो, वाइट टी शर्ट आप लड़के हो तो वाइट टी शर्ट में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और वाइट लड़की हो तो वाइट ड्रेसेस आप पहन सकते हो। जजमेंट के तौर पर आपको अक्सर पहले ही इंट्यूशन आ जाएगा, लेकिन अक्सर आप गड़बड़ करती रहोगे कि नहीं ये गलत बोल रहा है, ये झूठ बोला, इसकी वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, लेकिन लास्ट फाइनल में आप बैलेंस कर लोगे और कहीं ना कहीं प्यार वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑब्स्टिकल्स भी है, बट ऑब्स्टिकल्स भी आप बैलेंस बना के दिखाई दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आने वाली, ठीक है। अभी मैं आपके वर्क प्लेस की बात में करती हूँ, तो लेट्स सी वर्क प्लेस में कैसा रहेगा। तो इनके आने के बाद आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे समझो ये आपके लिए लकी पर्सन है। और हाँ, देखो जितना हम अपनी ज़िंदगी में, देखो ज़िंदगी चलती का नाम ही गाड़ी होती है, ठीक है। अभी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन इसके सॉल्यूशन भी आप ही निकालोगे, क्योंकि ये आपको बंदा इतना पॉलिश करेगा, शादी तक पहुंचना इनके साथ बहुत मुश्किल है, एकदम क्लियर और कट, क्योंकि शादी इतनी जल्दी दिखाई नहीं दे रही है। इनके साथ इनका आना जाना लगा रहेगा आपके साथ,
अक्सर आपको लगेगा कि इस बंदे से मैं निकल नहीं सकती या निकल नहीं सकता, और ना ही मुझे कुछ करने दे रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि रिश्ता है क्या। और ये जब शादी होगी ना, आप इतने पॉलिश्ड होगे, इतना परफेक्टली ब्लेस होगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। सारी प्रॉब्लम्स, आप बोलते ना शादी के पहले की प्रॉब्लम सारी खत्म कर चुके, सारे कार्मिक साइकिल्स ही खत्म कर चुके होंगे। प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आप इसको इस तरह से बैलेंस करोगे कि आप सोच नहीं पाओगे कि मैं ये मैं ही हूँ। क्या बोलते ना, जो वो नहीं होता तो आज मैं वैसी ऐसी नहीं होती, इस टाइप की बन जाओगी। तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुके होंगे। और ये जो हैंग है, ये जो चीज़ें हैंगनेस बोलती है ना, हर चीज़ में आपको नहीं बातचीत करना आता है, या फिर आपके अंदर बेवकूफ़ी वाले सेंस रहते हैं, आप कुछ भी किसी पे भी साथ में दिल लगा लेते हो, किसी पे भरोसा कर लेते हो, ये बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इवन आप मूड स्विंग्स होने वाले जो चांसेस रहते हैं आपके अंदर अक्सर, तो वो एक थोड़ा सा माइनस 100% में से 10% रहेगा, 10-30% रहेगा, लेकिन प्लीज़ उसमें संभालिएगा, क्योंकि लड़की है तो पीरियड्स में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, तो वो 30% वहीं पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है। बट 30% में भी आप बैलेंस कर दोगे इनकी एनर्जी से, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, और भी हम वैक्स कैंडल्स वैक्स रीडिंग देख लेते हैं। ओके सो ओके, हम कैंडल्स वैक्स रीडिंग भी कर लेते हैं आपके लिए कि कैसा रहेगा इनके साथ का लाइफ आपका। गाइज ये ज्यादा बोलने वालों में से नहीं है, ठीक है। ये है ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर, लास्ट में जाके आपको डांटेंगे बस बहुत हुआ, और इनका गुस्सा जब फूटेगा ना, आप इनके सामने बंद हो जाने वाले। ओके, सो सुनार की एक लुहार की है बॉस, ठीक है। और इनका बोलना सो सुनार की लो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक्चुअली इनका दिल बहुत ही नाजुक, जैसे समझ लीजिए इनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती रहेगी कि आप कुछ बोल दोगे ना तो ये बहुत ही दिल पे लगाने वाले हैं, तो प्लीज़ सोच समझ के करिएगा, क्योंकि दिल पे लगाने वाली एनर्जी बहुत गंदी होती है। और वैसे इनके साथ प्रोफेशनल लेवल तो ठीक ही है, लेकिन इनका फाइनेंस ग्रो, आप कितने लकी हो मैं देखती हूँ। तो आप ऐसे समझ लो जैसे कि आपके पास एक पूरी हार माला है, ठीक है, और एक ही मोती खुट्टा है जो आप हो, ठीक है ना, बहुत लकी साबित होंगे। यहाँ पे बेबी होने के चांसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत आपकी बेबी जो होगी ना, वो बेबी के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार वो करेंगे आपसे। आपको दो बेबी होने के चांसेस हैं। आपके मूड स्विंग्स ना हो उसके लिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले, और प्रेगनेंसी प्लानिंग करते वक्त भी प्लीज़ हर देखो प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हो, आपको लगता है कि आपका प्रेगनेंसी प्लानिंग हो रहा है, हमें अभी बेबी चाहिए, आप लोग जब डिस्कस करते हो तो आपको प्लीज़ डॉक्टर की पहले ही सलाह लेनी चाहिए, विटामिन स्टार्ट कर देने चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स आने के बिल्कुल चांसेस है। हाँ बिल्कुल चांसेस है। प्लीज़ इनका फाइनेंस में मैं देखती हूँ। ओके, इनका फाइनेंस कैसा रहेगा? ओके, तो इनके फाइनेंस के अंदर ऐसा देखो कि धीरे धीरे ही ग्रो होगा, और वैसे ऐसा देखो तो इनके फाइनेंस के अंदर, इनके अंदर नज़र लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहेंगे गाइस। नज़र लगती है और इनको है ना अक्सर ये प्रॉब्लम्स रहेगा कि लोग क्या करेंगे पता है, इनको हर प्रॉब्लम से फंसाने की कोशिश करेंगे, और इमोशनली आके ये वो उनको दान भी दे देंगे, और जब उनको पता चलेगा कि ये तो गलत ही था, फिर वो मतलब भरोसा इतनी जल्दी किसी पे पड़ने वालों में से नहीं है। बट हाँ, ये पहले लोगों के अंदर फंसाने की कोशिश करें, बहुत भोले लग रहे हैं ये इंसान, और ये आपके सामने इतना क्यों बन रहा है वो ही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन इनके साथ है ना ध्यान रखिएगा गाइस, किसी के नज़र का थोड़ा सा ध्यान रखना, बन सके तो गंगा जल और अपने धर्म के हिसाब से पानी इनको पिलाते रहना, इनको प्रोटेक्ट के लिए, ठीक है। और इनको ऐसे में देखो तो इनके पास बड़ी कार हो सकती, आपके जाने के बाद ये बड़ी कार लेंगे,
ठीक है, फाइनेंस में बहुत अच्छा रहेगा ग्रो, स्टार्टिंग में नहीं होगा, एक लक्ष्मी की जैसे ही आपको हेल्प करेंगे, मतलब बोलते हैं ना आप दोनों का मिलन एक अच्छा ही है एक हिसाब से। कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आएंगे गाइस, मैं मना नहीं करती हूँ, ऑब्स्टिकल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी का ज़रूरी नहीं कि कोई मतलब कोई लवर वाला ही है, यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिडनेस दिख रहा है। तो ध्यान रखेगा अपने सास ससुर, थोड़ा सा यही रखना ध्यान रखेगा। और कुछ लोगों की लड़कियों के लिए सास ससुर की तरफ से जो बोलते हैं ना बहुत प्यार चाहिए, आपकी देवरानी आपसे बहुत प्यार करे, वो मुझसे प्यार नहीं कर, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ये थोड़ा माइनस में आप जा रहे हो, सीरियसली बोल रही हूँ गाइस। हो सकता है कि यहाँ पे सास ससुर और इनकी तरफ से कहीं ना कहीं माइनस में, आप इनके साथ बुरा मत करना, लेकिन इनकी बातों को पलट के ज़्यादा झंझट भी मत पालना, ठीक है। इनकी तरफ से ज़्यादा प्यार वाला एक्सपेक्टेशन मत करना, लेकिन इनके साथ बुरा भी मत करना, मतलब एक बैलेंस बना के चलना, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुश हुई और सुखी रहेगी। हो सकता है कि आपकी शादी के बाद आप एक्चुअली ससुराल वाले चाहेंगे कि आप इनसे अलग हो जाओ, मतलब ससुराल वाले चाहेंगे कि आप इस इनसे मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर, बट धीरे धीरे आप उसको बैलेंस कर लोगे। स्टार्टिंग के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएगा, क्यों? क्योंकि आप मुझे कहीं हद तक कुछ लोगों की लाइफ में लव मैरिज दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसलिए, बट आप धीरे धीरे बैलेंस कर लोगे। हो सकता है कि आगे जाके आप लोग ससुराल से थोड़ा सा अलग रह के खुद का घर बनाओ, ठीक है, यहाँ पर ये भी है। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है गाइज, आप ज़िंदगी में बहुत लोगों को सिखाने वाले हो। जस्ट इनकी हेल्थ भी देख लेते हैं, ठीक है, साथ में हेल्थ भी मैं देखूँ। तो देखो इनके साथ शादी होने के बाद, ठीक है, ये थोड़े से फैटी होने वाले हैं, सीरियसली थोड़े से, बट बहुत ज़्यादा नहीं, और ये बहुत जल्दी बैलेंस भी कर लेंगे, ये आपको भी बैलेंस कराएंगे। हो सकता है कि आप लोग शादी के बाद, या तो अभी भी आपने जिम और योगा स्टार्ट कर दिया हो। इनको खूबसूरती बहुत पसंद है गाइस, ये हायर पोजिशन पर है, अपनी लेवल को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, ठीक है। तो और मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि पैसों से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, आप लड़का हो या लड़की हो, आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं, तो अच्छी है। बट बेबी होने में थोड़ा सा ये है वो देख लीजिएगा, और सास ससुर का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेगा। और मैंने आपको जैसे बोला कि इनको हर वो चीज़ को बोलते हैं ना दिल पे लगाने की आदत है, वो सही नहीं होती है, तो थोड़ा सा सोच समझ के बात करिएगा। बस ये ऑब्स्टिकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि आप एंग्री एंगर कंट्रोल बहुत कुछ आप स्टेबल हो चुके हो, और आगे भी और भी होने वाले हो। शादी के पहले का ऑब्स्टिकल्स तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद बहुत हद तक बैलेंस हो जाओ, बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। सो डोंट यू वरी, गो विद द फ्लो गाइस, बेस्ट ऑफ योर लाइफ और गॉड ब्लेस यू। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।